जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश मलिहाबाद के दिलावर नगर में मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिले और उन्हें आर्थिक व अन्य सहायता मुहैया कराई। उन्होंने मृतक के परिजनों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रकरण की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है। घटना में मृतक की पत्नी सुमन देवी के बैंक खाते में शासन की ओर से तत्कालिक तौर पर 50,000 की राहत धनराशि हस्तांतरित की गई है। पात्रता के अनुसार उन्हें ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास के साथ ही सुमन देवी को विधवा पेंशन एवं मृतक के पिता को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा रही है। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए लखनऊ से राजप्रताप सिंह की रिपोर्ट। के साथ आज मैं बैठा भी साथ ही साथ है, जो अनुमन्य सहायता है सरकार की ओर से तत्काल प्रभाव से 5,00,000 की धनराशि जो मृतक हैं इनकी धर्मपति श्रीमती सुमन देवी के खाते में अंतरित की गई है। और साथ ही साथ जो विवेचना है वो CEO साहब के द्वारा स्वयं की जाएगी CSC Act के अंतर्गत, और निष्पक्ष और प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो परिवार है उनके लिए शासन की अन्य जो सुविधाएं हैं, विशेष रूप से जो हमारी आवास की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ को प्राथमिकता के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण सभी लोग से अपील भी की गई है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया।